आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस न्यू ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कुशीनहर का नौका विहार। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। यह जो रोड आप देख पा रहे हैं NH 28 कुशीनहर गेट के नीचे से आ रहा है, और इधर की साइड में दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इधर देवरिया साइड में जा सकते हैं, या पडरौना जाना है तो आप जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेके चलते हैं हम आप लोगों को नौका विहार के अंदर। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आपको बैरियर बनाया गया है, बैरियर से दोस्त आप लोगों को गाड़ी आगे नहीं ले जाना है। जिस समय भी आप लोग नौका विहार घूमने के लिए आइएगा, उस समय आप लोग भी गाड़ी को रोड के बाजू में ही जो ठेले वाले भाई लोग हैं उन्हीं लोग के आसपास में गाड़ी को पार्किंग कर लीजिएगा। दोस्तों अंदर की साइड में आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दीवार चलाया गया है, और उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से पौधे को लगाया गया है, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इधर की साइड में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से शंकर भगवान की प्रतिमा बनाई गई है, और ठीक यहाँ बाजू में ही आप लोग को देखने को मिल रहा है कितने अच्छी तरीके से एक मूर्ति यहाँ पर भी बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ले कर चलते हैं आप लोग को और आगे की साइड में। इधर की साइड में आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सभी फूल पत्ती पौधों के नीचे से लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है, जो कि यहां के सुंदरता का और चार चांद लगाने का कार्य कर रहा है। इधर की साइड से भी नौका विहार में एंट्री करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में इधर से एंट्री किया था, इस जिस रास्ते से मैं आप लोग को लेके आ रहा हूँ ये रास्ता नया बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत तरीके से इधर से रास्ते को बना दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेके चलते हैं हम आप लोग को और आगे की साइड में। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूँ कि ठीक एक साल पहले कुशीनहर का नौका विहार का हमने वीडियो को शूट किया था, उसके अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कुशीनहर का नौका विहार बदल चुका है। फ्रेंड्स ये जो आप स्थान देख पा रहे हैं कुशीनहर का सेल्फी पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए तो आपका एक सेल्फी तो यहाँ पे बनता है। फ्रेंड्स अगर आप कुशीनहर को घूमते घूमते थक चुके हैं तो आपको यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी का भी व्यवस्था किया गया है। अगर आप लोग के साथ में बच्चे लोग भी आते हैं तो मनोरंजन के लिए यहाँ पर 2-3 गाड़ी भी रखी गई है, जो की रिमोट कंट्रोल की सहायता से चलती है, तो इस पे बच्चे लोग मनोरंजन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुँच चुके हैं नौका विहार, जिसको बुद्ध घाट के भी नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स सामने की साइड में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से पूरे नौके विहार का जो एक तरह से कहा जाए नक्शा, तो पूरा नक्शा ही चेंज हो चुका है। इधर सामने की साइड में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक मंदिर भी बनवाया गया है, और इधर की साइड में दोस्त टिकट घर है, जो कि आप देख सकते हैं यहीं से आप लोग को टिकट ले करके यहीं पर नौका विहार में बैठ करके आप लोग नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स लेके चलते हैं आप लोगों को और आगे की साइड में, आगे से क्या कुछ दृश्य दिखाई देता है हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को लेके आ चुके हैं नौका विहार के पार्क में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे डेली बाय डेली लड़के लोग आ करके यहाँ पे रील शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे दिखाते हैं। पार्क के बीचों बीच में आने के बाद से यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा स्थापित किया गया है, जो कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। गौतम बुद्ध भगवान का दर्शन कर लीजिए, साइड में गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, तो आप लोग गौतम बुद्ध भगवान का भी दर्शन कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं आप लोग को और आगे साइड में। इधर की साइड में हमारे टाइगर भैया हैं, जिनको आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहीं कुशीनहर के ही निवासी हैं। इधर की साइड में आप देख सकते हैं हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पे वीडियो को भी शूट कर रहे थे। अभी हम कुछ समय पहले आप लोग को बता रहे थे कि यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में भाई लोग आते हैं, यहाँ पे रील वीडियो शूट करके यहाँ से लेके जाते हैं। सामने की भी साइड में आप देखेंगे तो वीडियो शूट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स समय आगा कुछ आसपास का और नज़ारा दिखाते हैं। Yeah.
फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि कुशीनार के बुद्ध घाट पे यहाँ पे गंगा आरती भी डेली बाई डेली शाम को होता है, तो आप लोग आकर के आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को पूरे कुशीनार के नौके विहार को घूम करके दिखाने कोशिश किए थे। जिनके भी देख रेख में कुशीनार का नौका विहार है, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि एक टाइमिंग होना चाहिए जिस समय नौका विहार को ओपन किया जाए, और एक टाइमिंग होना चाहिए जिस समय कि नौका विहार को बंद करने के लिए। यहाँ पे हम आए थे तो हमें यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बंद मिला, और यहाँ पे जो नौका विहार का जो नाव है दोस्त वो भी बंद पड़ा हुआ था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पार्क यहाँ का है वो काफ़ी पहले ही बंद हो जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो भी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए, इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो उन लोग के लिए टाइम टू टाइम खुला रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ही बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।